हाय फ्रेंड्स, मैं नीतु विश्वकर्मा आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे सॉल्व पेपर 18 सितंबर 2016 की सीटेट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है, शिक्षक विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है, शिक्षक किसी विद्यार्थियों की निष्पादन का आकलन कर दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो हमारा आंसर है, शिक्षक विद्यार्थियों को चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनके अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है, बच्चों में अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने से बच्चों को समझ बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे होना। तो हमारा आंसर है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे के वाइग्लोस्की के दृष्टिकोण से का सही वर्णन करता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइग्लोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। वाइग्लोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा विचार जन्म लेता है, दोनों भाषा को बच्चों के विचारों पर से जन्म लेती है वे मानते हैं। तो हमारा आंसर है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइग्लोस्की के अनुसार भाषा और विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती के अपने बहस पोती ने अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लिंग समरूपता, लड़की के लिंग की गलत पहचान, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां। तो हमारा आंसर है, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उन्हें भय और चिंता का संचार न हो। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ए और बी, बी और सी, बी और डी, ए और सी। तो हमारा आंसर है, ए और सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विषयों में घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के लिए साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। तो हमारा आंसर है, समावेशी शिक्षा व्यवसाय में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थियों आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तित्व भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुँच सकें। सांस्कृतिक जानकारी को की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो हमारा आंसर है समूह में व्यक्तित्व भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों के का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो हमारे पास है सिद्धांत वर्णन। तो सिद्धांत में समीप दुराभिमुख दिशा, सिरह पदाभिमुख दिशा, अंतर्व्यक्तित्व भिन्नताएं, अंतराव्यक्तित्व भिन्नताएं और है वर्णन में विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। सिर से पैर का क्रम किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। शरीर के केंद्र से बाहर की ओर सरल से जटिल की ओर वृद्धि। तो हमारे पास कूट है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा है पांचवा, दूसरा, पहला, तीसरा, तीसरा है दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, चौथा है चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो हमारा आंसर है पांचवा, दूसरा, पहला, तीसरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। तो हमारा आंसर है संज्ञान संवेग परस्पर जुड़े रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाले एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, सक्रिय रूप से निरुत्साहित क्रिया किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो हमारा आंसर है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की सक्रियता बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, विभिन्नताओं को स्वीकार करने और उनके महत्व देना, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय साधन के रूप में प्रयोग करके विभिन्न अधिगम शैलियों का समायोजन करके मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान मानदंड निर्धारित करके। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं नीचे दिए गए कोड के आधार पर। तो पहला है ए बी और डी, दूसरा है ए बी सी और डी, तीसरा है बी सी और डी, चौथा है ए बी और सी। तो हमारा आंसर है ए बी सी और डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओं तक अनुभव करने
वाले सूचना पट्टों का प्रयोग करके करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों को आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। तो हमारा आंसर है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, हमारे पास चार ऑप्शन हैं, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुस्तकों का प्रयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त कर रहने के अवसर देते हैं। तो हमारा आंसर है उन्हें चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त कर रहने के अवसर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे पास चार ऑप्शन है, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। विद्यार्थियों विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उन तरीके से नहीं किया जा सकता जो उनके लिए सार्थक हो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय अवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को और अभिरुचि को ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ए और बी, सी और डी, बी और सी, बी और डी। तो हमारा आंसर है बी और सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं और फिर भी उनके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, इनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? हमारे पास चार ऑप्शन है, संभव है क्योंकि शिक्षक के अवतरण को समझना नहीं है, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो हमारा आंसर है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विभिन्न कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम के अपने स्वभाव में और है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, निष्क्रिय, सरल, सक्रिय, सामाजिक, निष्क्रिय, सामाजिक, सक्रिय, सरल। तो हमारा आंसर है सक्रिय, सरल, सामाजिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनर्स्मरण करने में आसानी हो। तो हमारा आंसर है विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार अपने अधिगम का अनुसरण करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उनके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो प्रत्यास्मरण रटना और समझाना, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, ड्रिल और अभ्यास, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो हमारा आंसर है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा तक पहुँचने वाली बच्चों की भोली अवधारणा को जानना, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता,
शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षक को अधिक सार्थक बनाने की और योजना बनाने के में सहायक होता है। शिक्षक की योजना और शिक्षक में रुकावट बनता है। तो हमारा आंसर है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षक को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षक युक्तियां, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ए और बी, ए बी सी और डी, ए और डी सी, ए बी और सी। तो हमारा आंसर है ए बी सी और डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम है, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपन तथा उत्तर के बीच युग्म तथा साहचर्य, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों के से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो हमारा आंसर है निजी अनुभवों के से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, विद्यार्थियों कि उन अवधारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, विद्यार्थियों को उपदेशनात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों के से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगमों प्रयासों को कैसे देख और सुधार कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है विद्यार्थियों को उपदेशनात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्याक्रिया से होती है, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होती है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नताएं बहुत होती है, विकास पर परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो हमारा आंसर है विकास एक परिणात्मक क्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस तथा डेस की विशेष अन्योन्याक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएँ, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। तो हमारा आंसर है वंशानुक्रम, पर्यावरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो हमारा आंसर, हमारे पास चार ऑप्शन है, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, समाजीकरण में विकास की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारण है। तो हमारा आंसर है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन कौन सा है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं, पियाजे का तर्क है कि संज्ञात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होती है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्तर है, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो हमारा आंसर है पियाजे का तर्क है संज्ञात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्येक से तात्पर्य है कि
कुछ भौतिक अवगुण धर्म वहीं रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। परिकल्पना और विविधता परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान से रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञात्मक क्षमता है। तो हमारा आंसर है कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। बुद्धि के प्रकार एक है अंतर अवस्था। तो हमारे बुद्धि के प्रकार में है ए संज्ञात्मक, बी भाषिक, सी अंतर्व्यक्तित्व, डी स्थानिक। और अंतर अवस्था में चिकित्सक, कवि, खिलाड़ी, वायलिन वादक, मूर्तिकार। तो हमारा कूट है पहला, दूसरा, चौथा, पहला, पांचवा, दूसरा, है पांचवा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो हमारा आंसर है चौथा, दूसरा, पहला, पांचवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइग्रोस्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों के अन्योन्य क्रिया करके का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास की में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो हमारा आंसर है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहवर्ड ने नैतिक तर्क के सिद्धांत के की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहवर्ड ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया। कोहवर्ड ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। कोहवर्ड का सिद्धांत बच्चों के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोहवर्ड ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो हमारा आंसर है कोहवर्ड ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।